नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सीएससी वैली हैं, कॉमन सर्विस संचालक हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो सीएससी की तरफ से अब आप लोगों का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं और साथ ही साथ उनको पर्सनल लोन भी आपको मतलब करवा सकते हैं उनका। अगर आप लोग अगर एक सीएससी वैली हैं तो ये इसमें आप लोग को बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा और अच्छी तरह से आप अपनी कमाई कर सकते हैं। इस तरह से लोगों को उनका लाभ भी मिल जाएगा, जिससे आपकी कमाई भी होगी और साथ ही साथ आपका वो भी बढ़ेगा, तजुर्बा लोगों के सामने कि आप लोग सीएससी की तरफ से किस तरह से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम सीएससी की तरफ से जो एक्सिस बैंक का लोन और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन कुछ भी हम किसी को करवाते हैं तो हमें तरह से इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इसी तरह से जानकारी आगे प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों आप लोग अपनी सीएससी आईडी इस तरह से आप खोल लीजिए और यहाँ पर दोस्तों सर्च में आप लोग लिखेंगे लोन बाजार। ये आ गया दोस्तों लोन बाजार, आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अपनी आईडी यहाँ पर एक बार दोबारा डालिए खोलने के लिए। तो दोस्तों 1 मिनट पे इंतजार डाल लेते हैं हम काफी देर से। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका डिस्प्ले खुलेगा इसका, तो आप लोग यहाँ से जाके इसको कट कीजिए। उसके बाद तो आप लोग किसी का भी लोन करवा सकते हैं। ये नीचे आप पढ़िए इसके बारे में, टू व्हीलर लोन भी करा सकते हैं, पर्सनल लोन भी करा सकते हैं, ऑटो लोन, और यहाँ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितने साल के लिए कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड के कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे एक्सिस बैंक का। तो दोस्तों यहाँ ऊपर की तरफ में क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है एक्सिस बैंक, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद कट कीजिए, उसके बाद यहाँ कस्टमर का नेम डाल दीजिए, यहाँ पर उसका पैन नंबर या मोबाइल नंबर कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पर स्टेट कौन से स्टेट से आता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट उसका सेलेक्ट कर दीजिए और सबमिट कीजिए। कस्टमर के मोबाइल में एक OTP आएगा, जिससे वो आपको OTP जो आई है वो यहाँ पर आप डालिए, कंफर्म कीजिए। आगे प्रोसेस बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं और किसी का लोन भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल लोन दोस्तों बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी, जो कि आप लोग को यहाँ पर ये आप लोग यहाँ आ जाइए, इसमें क्लिक कीजिए। पर्सनल लोन दोस्तों बहुत आसान तरीके से HDFC और एक्सिस बैंक से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ अप्लाई करने के लिए आप एक्सिस बैंक से अप्लाई कीजिए, पर्सनल लोन के लिए कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ। सेंड भी करेंगे, सेंड OTP मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही कस्टमर के मोबाइल नंबर दूसरे से मिला।